गाइस, मैं हूँ अनु की मम्मी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे बनते हैं सूजी के चीले यानी पूड़े, जो खाने में बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और टेस्टी होंगे। आज हम उन्हें नवरात्रि में कैसे खा सकते हैं ये भी बताएंगे। बिना लहसुन प्याज, जो लोग लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नवरात्रों में नहीं करते हैं, वो लहसुन और बिना प्याज के हम बनाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनने वाले हैं, जो आप और मैं मिलकर टेस्ट करेंगे और अपनी अपनी फैमिलीज को भी खिलाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सामान डलने वाला है। तो ये है सामान, ये है सूजी जो लगभग एक कप से सवा कप के आसपास है, और ये दो बड़ी चम्मच टमाटर कटा हुआ, और ये दो बड़ी चम्मच शिमला मिर्च कटे हुए, और ये दो चम्मच बेसन है, और ये थोड़ा पानी है जो हमें मिक्स करने के लिए चाहिए होगा, और ये थोड़ा सा आधी चम्मच चुकंदर है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये है कटी हुई हरी मिर्च जो आधी टीस्पून है, आधी चम्मच सेंधा नमक है ये सफ़ेद वाला, और ये है कस्तूरी मेथी लगभग आधी चम्मच, और ये थोड़ा सा लाल मिर्च है पिसी हुई, स्वाद के अनुसार है जितना आप डालना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये है अजवाइन, और ये थोड़ी सी हमने अदरक कटी हुई ले ली है, और ये काली मिर्च है 1/4 टीस्पून। नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा है दही, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है जब हम सूजी के चीले बनाते हैं। थोड़ी सॉफ्ट बनते हैं, थोड़ी खटास भी आ जाती है, और दही बिल्कुल नुकसान भी नहीं करती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सूजी को पानी में भिगो के 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है, जिससे कि सूजी भीग कर फूल जाएगी। तो ये है हमारी सूजी, जिसे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं भीगे हुए, तो ये फूल चुकी है। इसकी कैसा ये सूजी भीगने के बाद लगती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से ये भीगने के बाद हो जाएगी, लेकिन अभी इसका ये मिक्सचर पोड़े बनाने के लिए तैयार नहीं है, बहुत गाढ़ा है। इसमें हम मसाले और अपने जो दूसरी चीज़ें हैं मिलाकर इसको पोड़े के हिसाब से उतना पतला करके रेडी कर लेंगे, जिससे हमारा जो चीला है वो ठीक से बन जाए। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं बेसन। बेसन डालने से क्या होगा कि हमारा ये पोड़ा बिल्कुल भी जो सूजी का है ये फटेगा नहीं, बिल्कुल स्मूथ बनेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। खाली सूजी के पूड़े जो उस चीले होते हैं वो लगभग इडली के जैसा थोड़ा टेस्ट दे देते हैं, वो इतने अच्छे टेस्ट नहीं दे पाते हैं। इसको हमने बेसन के साथ अच्छे से मिला लेना है, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेंगे जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको थोड़ा सा चलाते हुए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिसकी इस सूजी और बेसन अच्छे से मिल जाए। इस सूजी को हमने और बेसन को अच्छे से मिला लिया है, और ये अच्छा सा घोल हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, कहीं कोई काट नहीं बची है बेसन की और ना ही सूजी की, दोनों एक साथ मिक्स होके एक जैसा सामान ये घोल तैयार हो गया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में क्या करना है, हमने सबसे पहले हम नमक डाल रहे हैं इसमें, उसके बाद कस्तूरी मेथी है, फिर हमें डाल रहे हैं इसमें लाल मिर्च, और ये अजवाइन, उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी अदरक जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था, और ये है हरी मिर्च, और लास्ट में हम डाल रहे हैं काली मिर्च। इन सब को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर, कि ये घोल में अच्छे से सब हमारी आइटम मिक्स हो जाए। कस्तूरी मेथी इसमें डालने का एक अलग ही फ्लेवर आता है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसे डाल रहे हैं कटा हुआ टमाटर, शिमला मिर्च, चुकंदर थोड़ा सा हमने जो काट के कद्दूकस करके रखा हुआ था, जिससे थोड़ा कलर इसका बढ़िया आने लगा, चुकंदर न्यूट्रिशियस भी बहुत होता है, और ये दही। अब इन सबको भी हमने अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए कितना अच्छा मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, और इतना अच्छा कलरफुल है ये मिक्सचर, जब बनेगा तो खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा जितना कि दिखने में। चलिए हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने तवा गरम कर लिया है, और इस पर हम हल्का सा तेल लगाते हैं, और तेल लगा के हम इसको डाल देंगे इस पर। इसको अच्छे से फैला देंगे। हल्का सा तेल
हम इसके पहला जो कूड़ा बनता है वो थोड़ा सा चिपक जाता है, इसलिए हल्का सा एक आध बूंद हम साइड्स में लगा देंगे। गैस की फ्लेम हम तेज कर लेंगे। जब हमने डाला था तब हमने इसको सिम पे रखा था, अब हमने तेज कर लिया है और अब हम इसको हल्के से करके उतार लेंगे। ये देखिए कितने आराम से उतर रहा है। देखिए अब मेरा एक तरफ से सिक गया है। अब हमने थोड़ी देर एक तरफ से सेकने के बाद इसको पलट लेंगे। मैं आपको एक पूड़ा और डाल के दिखाती हूँ। देखिए हल्का सा हमने तेल चारों तरफ डाला, हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं। गैस की फ्लेम को फिर से तेज कर दिया और फिर से हम इसको पलटेंगे और दूसरी साइड से घी लगाकर सेकेंगे। और ये थोड़ा कच्चा है, इसको पकने देते हैं और जब ये पक जाएगा तब हम इसको पलटेंगे, नहीं तो ये फट जाता है। आराम से ये पलटा गया है और एक तरह से ये लाइट ब्राउन पक गया है। ये देखिए अब हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये अभी पूरी तरह से सिक चुका है। हमने ये दो पूड़े बना लिए हैं और अब हम इसको सर्विंग के लिए तैयार करते हैं। चलिए अब इसे सर्विंग प्लेट में लगाते हैं। और ये है लाल चटनी जिसके साथ खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चाहे तो हम हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं और ये आपके ऊपर है, आप चटनी हरी पसंद करते हैं लाल, मुझे तो लाल चटनी बहुत पसंद है। अब मैं आपको इसका एक टेस्ट करके दिखाती हूँ। देखिए इसे हम, ये देखिए कितना सॉफ्ट है और कितनी सॉफ्ट इसकी लेयर्स बनी है। और इसमें वेजिटेबल भी देखिए, शिमला मिर्च टमाटर कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। इसको हम इसमें डिप करेंगे, चटनी के साथ लगाते हैं और टेस्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी बने, गर्मा गर्म मेरा मन कर रहा है मैं आप सबके साथ बैठ के खाऊं। बहुत टेस्टी, आप भी इसे अपने घर में बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। फिर मिलते हैं